नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपीटीवी मीडिया न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीपक चौधरी। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लालछा थाना पर जय संगठन द्वारा थाना प्रभारी के नाम सौंपा ज्ञापन। धार जिले में शराब माफिया द्वारा शराब का अवैध कारोबार लगातार चल रहा है। लालछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त गाँव में खूब जोरों पर शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिसके चलते आदिवासी युवा संगठन जयस द्वारा लालछा थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमारे आदिवासी समाज में लॉकडाउन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिस कारण घर का राशन चलाना भी मुश्किल हो रहा है और ऊपर से शराब माफिया द्वारा गांव-गांव जाकर गाड़ियों से दुकानों पर शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिससे हमारे आदिवासी लोग खाने के अनाज को बेचकर शराब पीते हैं और घर पर आकर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। इसे शीघ्र बंद कराई जाए। अगर हमारी समस्या का हल नहीं होगा तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर, ये विज्ञापन दिया है, इस पे कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल 100% कार्रवाई, और अभी भी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अभी तक मैंने करीब 40-50 शराब के प्रकरण बनाए हैं और गांव-गांव जाके दबिश दी जा रही है, और आगे भी जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है इस पर भी बराबर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग शराब माफिया हैं उनके ऊपर भी बराबर कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत तथा गांव में देखा जाएगा कि कहां कहां शराब जा रही है, उन सब शराब माफियों पर बराबर कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी हमने कई 40-50 प्रकरण बनाए अवैध शराब के। नहीं, हमारी जानकारी में अभी नहीं है। आपने जानकारी बताई है कि आपके द्वारा बताया गया ज्ञापन में, तो हम बिल्कुल इस बात की जाँच करेंगे, और यदि इस प्रकार की कोई अवैध शराब का परिवहन हो रहा है तो बराबर कार्रवाई की जाएगी।